बिल्कुल आज 13 साल बाद तकरीबन पाकिस्तान जाके फाइनल में पहुंचे। इससे पहले 21 साल पहले इनके पास था ये नाम अजलान शाह का, अजलान कप का। अब देखें इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान से ये इस बार ही इधर ही आएगा कप। गवर्नमेंट को इसे सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते। आपको जैसे पता है पाकिस्तान की नेशनल गेम है, मगर फिर भी इतना इसे सपोर्ट नहीं करते जितना क्रिकेट को करते हैं, बाकी गेम्स वगैरह को करते हैं सपोर्ट, इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो गवर्नमेंट से यही है कि इसे सपोर्ट करें और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अगर ये अपनी पूरी परफॉर्मेंस देंगे, पूरी तरह खेलेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे, और जापान उनके सामने कुछ भी नहीं होगा ये अगर सही खेलेंगे तो। इंशाल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट अच्छी हुई, अच्छी तो नहीं है वैसे इस स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन अगर जीतेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ देंगे इनको इनाम। अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरउम्मीद कहते हैं। पाकिस्तान ने पूरे इवेंट में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल में भी पाकिस्तान जापान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये गवर्नर हाउस जो है वो उस आम मुतवस्त तबके के लिए हर वक्त खुला भी हो, और उस उन लोगों के लिए कि जिनकी जेब में शायद गवर्नर हाउस आने का किराया भी नहीं है और उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात को मैं सुनूं और उनके साथ खड़ा हूं। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर पंजाब और वफाकी हुकूमत के साथ है। पीपल्स पार्टी ने ज़रूरी समझा तो मुल्क की मफाद में काबीना में शामिल हो सकती है। हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल और दरबार बीबी पाक दामन हाजरी फातेह खानी की। सरदार सलीम हैदर ने कहा, नई हुकूमत के आने से हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क में इस्तेहकाम लाकर मईशत बेहतर करेंगे। एक सियासी जमात हर धर्मी पर कायम है, अपोजिशन को मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून में अपने ही स्पीकर के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। लीगी अरकान का स्पीकर मलिक अहमद खान के कॉन्डक्ट पर तहफ़ुज़ात, कई अरकान ने पार्टी क़यादत को तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मलिक अहमद खान चौधरी परवेज़ इलाही की तरह असेंबली चला रहे हैं। हकूमती इत्तेहाद की मखसूस नशस्तें मुअत्तल करना स्पीकर का नहीं इलेक्शन कमीशन का काम था। लीगी अरकान का क़यादत से शिकवा। 7 लाख तलबा को एनक और हेयरिंग एड फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सूबे भर के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समाज चेक की जाएगी। वज़ीर आला से मारूफ अदारे ATC स्केल के वक्त की मुलाकात हुई। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। स्कूलों के असातज़ा की इस्तेदाद कर में इजाफे के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अहदों से फारिग। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी। हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ इदारों को इरसाल कर दी। गुलजार अहमद खान, मलिक सरदार अहमद, परवेज इकबाल चीमा, मोहम्मद नवाज शाह और आरिफ रांझा को एडिशनल एडवोकेट जनरल के अहदे से हटाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का वकला हड़तालों पर बड़ा इकदाम। अदालतों के लॉकडाउन पर जीरो टॉलरेंस होगी। हाई कोर्ट का तमाम सेशन जजों को मरासला जारी। अदालतों के तकद्दस के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ बिलमदार्ज कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। हड़ताल के लिए वकला को कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदार पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमती इदारे होंगे। जाली अद्वयात फरोख्त करने का केस, ड्रग कोर्ट ने मुलजिम हसन जावेद और अबू बकर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने जाली और गैर मयारी अद्वयात बेचने वाले, मकरूह धंधे करने वाले को उनके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मवद को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमा को गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। शेर अफजल मवद से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। नौ मई को पुलिस गाड़ियां जलाने का केस, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद अदालत में पेश। ट्रायल के लिए हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मजीद समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया गया।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मुतारिफ करवाने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर, दरखास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में तफसीलात तलब की जाएं। सानिया मॉडल टाउन केस ट्रायल में बड़ी पेशरफ, प्रोसिक्यूशन के 9 गवाहान ने शहादत कलमबंद करा दी। अदालत ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के बुकला को जिरह के लिए तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। शहर में डाकू राज कायम, 24 घंटे के दौरान डिफेंस ए में डकैती की 2 बड़ी वारदातें। 5 डाकुओं ने शहरी एजाज के घर का सफाया कर दिया। 100 तोले जेवरात, लाखों रुपए और $12,000 ले उड़े। दूसरी वारदात में डाकू शहरी शरीफ के घर से 55 लाख रुपए और जेवरात ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना हदियारा की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल, मरने वाले की शनाख्त 20 साल अमीर मुआविया के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने दुकान में लूटमार की, मज़ाहमत पर अमीर मुआविया को सीने पर गोली मारी। मुकदमा दर्ज, मुलजिमों की तलाश जारी है। नवाब टाउन में पुलिस की फायरिंग का मामला, जाबहक फैसल बट की लाश ताहाल बुरसा को ना मिल सकी। रेड के दौरान फायरिंग से 1 पुलिस अहलकार जाबहक और दूसरा जख्मी हुआ था। पुलिस ने फैसल के भाई यूसुफ का पकड़ने के लिए नवाब टाउन में रेड किया था। लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और इंसाफ की फराहमी कमीशन CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की ज़ेर सदारत इजलास, सिविल लाइंस और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोबाइल स्नैचर्स, मोटरसाइकिल चोर और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद, ज़ेर इल्तवा केसेस और संगीन जुराइम में मुलव्वस मुलज़मों की गिरफ्तारी का जायजा लिया। डॉक्टर अनूष मसूद चौधरी की अफसरान को मंशियात के मुकदमात की यकसोई समेत कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 रोज की मोहलत। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर का अवामी खिदमत का अज़म, टाउनशिप हेडक्वार्टर्स में माली मसरूक तकसीम करने की तकरीब। SP एडमिन इमरान करामत बुखारी ने लाखों रुपए मालियत का माली मसरूक असल मालिकान के सपोर्ट किया। शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ट्रैवलिंग टाइम के हवाले से लाहौर की ट्रैफिक में बेहतरी, 121वें नंबर पर आ गई। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट जारी, अंडरपासेस, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और गैर जरूरी यू टर्न्स बंद करने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBR का शिकंजा मजीद सख्त, टैक्स ना देने वालों के सिमें आज से बंद करने का आगाज। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फाइलर्स के सिमें मरहलावार बंद करने पर इतफाक। 5,000 नॉन फाइलर्स के पहले बैच की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक पैगाम भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। चिकन के दाम बदस्तूर बेलगा, मुर्गी का गोश्त 60 रुपए महंगा, 477 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, 256 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की पेटी 7,560 रुपए में फरोख्त। मतवस्त तबका महंगाई के गरदाम में फंस कर रह गया। सब्जियों और फलों की खरीदारी आसान ना रही। भिंडी 400, टींडे 300, मटर 320 और प्याज 110 रुपए किलो, लहसुन अदरक 680 और करेले 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर आ गया। कसूर रोड, महमूद बूटी और हरबंसपुरा में 2 यूनिट सील। 5,000 लीटर से जायद जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 600 लीटर मिलावटी दूध और 120 किलो ममनुआ नाकिस अशिया तलब कर दी गईं। 11 टीम नाकिस घी, 4 मशीनें, पंप और नीले ड्रम जब्त कर लिए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का बादामी बाग सब्जी मंडी का दौरा, सब्जी मंडी में तरबूज और केले की नीलामी का जायजा लिया। ACK नबील अहमद ने मंडी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने खोखर रोड, बंद रोड और रूडा एरिया का भी दौरा किया। सफाई इंतजाम देखे गए।
लेस्को में 6 यूटीसी डिप्लोमा होल्डर्स की जूनियर इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की, लेस्को ने तरक्कियों के ऑर्डर्स जारी कर दिए। तरक्की पाने वालों में शहजाद तबसुम, साजिद जावेद, अब्दुलरहमान, मोहम्मद सलीम, आफ्ताब अहमद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ट्रांसफार्मर फटना मामूल बन गया। लेस्को को नए ट्रांसफार्मर्स की शदीद किल्लत का सामना। लेस्को की सब डिवीजन में गैरकानूनी प्राइवेट वर्कशॉप्स कायम। खराब ट्रांसफार्मर्स को नाकिस मटेरियल से तैयार करवाए जाने का इंकशाफ हुआ। और शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। शहर में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। DGPDMA की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत।